देख रहे हैं अमृत विचार। बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो कि थाना शाही क्षेत्र के दुमका नहर के पास है, जहां एक पति पत्नी मायके से होकर ससुराल की ओर जा रहे हैं। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने पहले तो पति पत्नी के साथ बात की, उसके बाद भी मन न भरने पर 8 माह की गर्भवती महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। पति इस समय अस्पताल में भर्ती है, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए आइए चलते हैं पूरे मामले की जानकारी उनके परिवार से। भतीजी थी। क्या मामला हुआ? क्या मामला? वो घर से गई थी अपने मायके से ससुराल को जा रही थी। जाते टाइम रास्ते में उनके साथ लूटपाट की, लूटपाट के बाद उन्हें मौके पे ही गोली मारी। साथ में कौन था? साथ में उनके पति थे। पति क्या? राजकुमार। पति घायल हुए? उनके चोट है, जख्मी है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। क्या लूट हुई है? उनके जो जेवर था वो ही लूटपाट हुई है। करीब 2 लाख का तो होगा ही, 2.5 लाख। मेरी बेटी घर से 5:30 बजे के टाइम चली थी घर से, राजकुमार उन्हें लेके गए, रास्ते में चोरों ने लूटा, मारपीट की और उसके 2 गोली मारी। अच्छा, राजकुमार के साथ भी कुछ किया है क्या? राजकुमार के साथ मैंने राजकुमार की सूरत नहीं देखी है। क्या लग रहा है आपको, कोई डाउट है किस तरह की भी? मुझे कुछ नहीं लग रहा है। 13 किलोमीटर का रास्ता, 2 घंटे लग गए इनको मारने को। हो सकती है रास्ते में कहीं रुकों में उनको उन सामने पास में कोई सौदा उधर लेने के लिए लेट भी हो गए वहाँ। इसी रास्ते जाते हैं, रास्ते पे घटना। वही रास्ता है कि सब निकलने वाले की, एक अनंतपुर का है, वही रास्ते है, मैं सही रास्ता उसी से चलता हूँ। आपको क्या सूचना मिली रात में, क्या बताया उन्होंने? यही बताया था, राजकुमार के गोली मार दी, हम पहुँचे तो हम लड़की के गोली लगी हुई थी। आज रात लगभग 8:30-9 बजे के आसपास थाना क्षेत्र शाही में बकेनिया से ये सूचना मिली थी कि एक पति पत्नी जिनकी की पिछले साल ही शादी हुई है, दोनों बाइक से जा रहे थे। वो पति जो है अपनी पत्नी को मायके से लेकर के आ रहा था, तब उनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा हमला किया और उसमें फायरिंग की थी। उसमें जो महिला है उसको 2 गोली लगी है और पति का यह कहना है कि उसको मारपीट की है। इसके संबंध में जब मौके पर जानकारी की गई तो महिला को जो गोली लगी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो पति है उसका भी मेडिकल कराया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी करते हुए पूरी तथ्यों की जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।